ओम शांति हो गया सबका बातचीत, अभी कंसंट्रेट करो आगे। ओम शांति ओम शांति। क्या क्या आप लोगों ने एक्टिविटीज की, क्या एक्टिविटीज करा आप लोगों ने बताओ। क्या सीखा? ओके कभी लालच नहीं करना चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, किसी से गुस्सा नहीं होना चाहिए, और नहीं आना चाहिए, और शेयर करना चाहिए। क्या अच्छी चीज बुरी चीज? अच्छी चीज। और किसी को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी है, बहुत अच्छी बात है। और ये सब हम कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर पावर होगी, है ना। अगर हमारे अंदर पावर होगी, एक हम स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड होंगे, तो ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। आप सब क्लास 8 से नीचे हैं क्या? 8 के ऊपर भी कोई है यहाँ पर? क्लास 8 9 9 10 क्लास 9। ओके, तो आप लोगों का एम क्या है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डिसाइड किया? क्या बनना चाहते हो? आर्टिस्ट। ओके, आप सिंगर और आर्मी ऑफिसर और एक्ट्रेस और पायलट आर्मी। वाह, आप लोग तो बहुत बहुत होशियार बच्चे हो। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आप लोगों ने अपना एम डिसाइड कर लिया, तो सभी अपने लिए ताली बजाओ। तो आप लोगों ने जो इतनी सारी बात की ना, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी चाहिए? अगर हमें आर्मी बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, तो उसमें कौन सी क्वालिटी चाहिए? सबसे पहली क्वालिटी मेहनत। और मेहनत कैसे आती है? डिसिप्लिन से। कैसे आती है? डिसिप्लिन से। हाँ, तो अभी हम सब डिसिप्लिन में बैठेंगे, ठीक है, बातचीत भी करेंगे, और अब जो भी आगे सेशन होगा अभी उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक। ओके, तो आप कहाँ बैठे हो? ब्रह्मा कुमारीज आश्रम। ब्रह्मा कुमारीज आश्रम में बैठे हो, ठीक है। ये क्या चीज है ब्रह्मा कुमारीज आश्रम? क्या है बताओ, किसी को पता है ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? किसी को पता है? आप पिछले 2 घंटे से जहाँ बैठे हो वहाँ के बारे में पता है? हाँ, बाबा का घर। बहुत अच्छा, ताली बजाओ बच्ची के लिए। बाबा मतलब हम सब के फादर, गॉड फादर, परम पिता, उनका ये घर है ना। यहाँ हम सब क्या करते हैं? मेडिटेशन सीखते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम आप सब स्कूल में पढ़ते हो ना, ब्रह्मा कुमारीज भी एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, जहाँ हम स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं, अपने अंदर जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, उनको जागृत करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए हम ब्रह्मा कुमारीज में क्या करते हैं? स्पिरिचुअल स्टडी। क्या करते हैं? स्पिरिचुअल स्टडी। तो ब्रह्मा कुमारीज भी एक यूनिवर्सिटी है। क्या है? यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, कोई बताएगा? मेडिटेशन क्या होता है? आंख बंद करके क्या करना चाहिए? याद करना। किसको? किसको? गॉड को। गॉड को। ओके, बहुत, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो। कौन से चक्की का आटा खाते हो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो? क्या बादाम खाते हो इसलिए इतने इंटेलिजेंट हो? ये यहाँ पर आगे इंटेलिजेंट हो गए, यहाँ पर आगे इंटेलिजेंट हो गए क्या? यहाँ पर जब से बैठे तब से आपकी बुद्धि ज्यादा ही तेज काम कर रही है ना। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है अपने अंदर पावर को लाने के लिए गॉड से कनेक्ट करना। देखो, आप लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप सुन नहीं रहे हो, आप आपस में बातचीत कर रहे हो। बताओ कैसे करोगे फिर आप पायलट, इंजीनियर, आर्मी, टीचर बन पाओगे क्या? सामने दीदी बैठी है, और भी दीदियां हैं,
और आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सब स्ट्रेट होकर बैठो, स्ट्रेट ऊपर, हाँ बस, ये सबसे अच्छी पोजिशन होती है, पता है, इससे हमारा माइंड ना कंसेंट्रेटेड होता है, एकाग्रता हमारी बढ़ती है। अच्छा, तो लाइफ में हमारा सबसे पहला एम होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनना, है ना, सबसे पहला एम क्या है, एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है। एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं, अच्छे थॉट से, कैसे बन सकते हैं, अच्छे थॉट से, जो हम जो सोचते हैं ना उन्हें थॉट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थॉट्स। तो हमारे थॉट्स अगर अच्छे होंगे तो हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, ठीक है। थॉट्स हमारे अच्छे कैसे होंगे, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के लिए अच्छा देखना, अच्छा सुनना और अच्छे लोगों के साथ रहना, है ना, अच्छी बातें करना, अच्छा सोचने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए अच्छा देखना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सुनना और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, जब हम पॉजिटिव देखते हैं, जब हम पॉजिटिव सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड पे पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है ना, पिक्चर देखता है, पिक्चर मतलब चीजों को देख के थॉट्स क्रिएट करता है। जैसे जब आप बाजार जाते हो मार्केट में और आपको चॉकलेट दिखती है, तो फिर जब आप घर वापस जाते हो तो आपको थॉट्स आते हैं ना, यार मुझे चॉकलेट खानी है, मैंने चॉकलेट देखा था, या चॉकलेट से और भी थॉट्स आ सकते हैं। तो जब भी हम कुछ देखते हैं तो हमारे थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, मन भी करता है और कई दिन तक याद भी रहता है, मैंने वो वाली कलर की और वो वाला चॉकलेट देखा था, है ना। तो जो भी हम देखते हैं वहां से ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन सीखना, जो अभी आपको कराएंगे मेडिटेशन लास्ट में दीदियां, तो मेडिटेशन सीखना है ना। तो मेडिटेशन के लिए हम, मेडिटेशन क्या है, सिंपली देखो, हमें अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो हमें गॉड से कनेक्ट होना पड़ेगा, गॉड से कनेक्ट होना, गॉड को याद करना, गॉड के बारे में सोचना, इसे हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन। क्या कहते हैं, मेडिटेशन। मतलब कनेक्शन, क्या होता है, कनेक्शन। जैसे 2+2 क्या होता है, 2+2 4, ऐसे ही जब हम गॉड से कनेक्ट होते हैं ना तो हमारी पावर इंक्रीज होती है, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन। क्या कहते हैं, मेडिटेशन। अब गॉड कौन है बताओ, गॉड कौन है, भगवान। भगवान कैसे दिखते हैं, लाइट और भगवान हमारे आसपास होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और गॉड कैसे होते हैं, गॉड तो ब्रह्मा कुमारी में हम सीखते हैं आकर, गॉड होते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, कैसे होते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आसमान में सूर्य होता है ना, सूरज, तो सूरज कैसा है, लाइट, लाइट ही लाइट, बहुत लाइट है, इनफाइनाइट लाइट, और कैसा है, पॉइंट, राउंड से। ऐसे ही गॉड भी होते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, कैसे होते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। तो हमें गॉड को किस फॉर्म में याद करना है या मेडिटेट करना है, पॉइंट ऑफ लाइट, किस फॉर्म में, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आपने तिलक लगाया होगा ना, तिलक, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। तो गॉड को हमेशा हमें कैसे याद करना है, पॉइंट ऑफ लाइट, समझ में आया, कैसे याद करना है गॉड को, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, दीदियां कराएंगे, या जब भी आप आओगे सेंटर पे और मेडिटेशन करोगे, तो हमेशा पॉइंट पर फोकस करना, पॉइंट ऑफ लाइट पर फोकस करना और अच्छे थॉट्स क्रिएट करना, अच्छे थॉट्स क्रिएट करना। जैसे आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं बहुत अच्छा हूँ, पॉजिटिव थॉट्स हमें क्रिएट करना है। कैसे थॉट्स हमेशा क्रिएट करना है, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छा कर पाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स, है ना। इसके और हमेशा, जैसे हमेशा हमें पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना चाहिए और लाइफ में हर चीज के लिए हमें फुल एफर्ट लगाना चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं तो कई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, नहीं कुछ सब्जेक्ट टफ लगता है, तो किसी को मैथ्स टफ लगता होगा, किसी को एसएसटी, किसी को
को इंग्लिश, किसी को साइंस। तो कोई भी चीज जब हमें टफ लगता है तो बार बार उसका प्रयास करना चाहिए, हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे हम उन चीजों को अचीव कर सके। प्रैक्टिस, हाँ कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही ज्यादा आप इसमें मास्टरी करते जाओगे, है ना। इसके लिए एक स्टोरी भी बताते हैं। जैसे एक बार क्या होता है, एक संन्यासी होता है, वो जंगल जाता है, और जंगल जाता है उसके संन्यास क्या होता है, तो बहुत उसको ना मेहनत लगती है एकाग्रता कंसेंट्रेशन अचीव करने में, है ना। तो वो बाद लास्ट में वो थक जाता है और वो वापस जाने लगता है, सब कुछ वापस से अपनी जो भी उसने सोचा होता है उसको छोड़कर वापस घर की ओर जाने लगता है। तो जब वो रास्ते से वापस जा रहा होता है तो एक रास्ते में वो दिखता है एक मकड़ी देखता है। तो मकड़ी क्या बनाती है, अपना इंटरनेट नेट जाल, है ना, अपना नेट बनाती है ना जाल। तो देखता है मकड़ी धीरे धीरे जाल बना रही है, और बार बार मकड़ी गिर जाती है, फिर उठती है, फिर जाल बनाती है, फिर वो जाल बनाते बनाते गिर जाती है, फिर उठती है। तो वो बैठे बैठे उस चीज को देखता है, और वो देखता है जब मकड़ी इतने बार उठ के वापस जाल बना सकती है इतने बार गिरने के बावजूद, तो मैं क्यों नहीं वापस से कोशिश कर सकता हूँ, मैं क्यों हार मान जा रहा हूँ। और वहां पर वो उसने वो चीज देखा और वापस वो अपने तपस्या स्थल पर जाता है और फिर बैठ के कंसंट्रेशन या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है। तो बार बार हमें हर चीज की जो भी हमें टर्म लगता है उसकी बार बार हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस। बार बार हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस। उससे हमारा तो वो प्रैक्टिस हम करेंगे। कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज कैसे करेंगे, मेडिटेशन से। कैसे करेंगे, मेडिटेशन से। तो जैसे अभी 2000 कौन से चल रहे हैं, 22। 2000 क्या चल रहे हैं अभी, 22। बच्चों इधर देखो सर, बातचीत नहीं। तो 2022 में आपने कुछ रिजोल्यूशन लिया, रिजोल्यूशन कुछ अपने आप से प्रतिज्ञा की है कि मुझे इस साल क्या करना है, कुछ सोचा है, क्या सोचा है, नहीं सोचा ना अभी तक। चलो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आधा साल तो निकल गया है बट अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, आधा कुछ समय निकल चुका है। आप अपने आप से एक रिजोल्यूशन करो, उसको बोलते हैं मैजिक ऑफ मिरेकल ऑफ थॉट्स, थॉट्स का जादू, मिरेकल ऑफ थॉट्स, थॉट्स का जादू, संकल्पों का जादू। आपको क्या करना है, आपको एक थॉट क्रिएट करना है 2022 के लिए, कोई भी थॉट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको थॉट्स करना है मैं मैथ्स में 90 out of 100 लाऊंगा या लाऊंगी। अगर मान लो आपके अंदर कोई बुरी आदत है उसको छोड़ना है, तो सपोज आप अगर जिद करते हो घर में, तो आप उसको आप संकल्प करोगे कि अब मुझे जिद नहीं करना है, मुझे अच्छे से रहना है जिससे लोग मुझे लाइक करें। कोई भी एक थॉट, राइट, कोई भी एक थॉट। अगर आपको पसंद ही करेंगे, अगर आपको सपोज सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वो थॉट, एक थॉट्स हमें क्रिएट करना है, हम सबको, आप लोगों को भी एक थॉट्स क्रिएट करना है। अच्छा, जब भी हम बीज बोते हैं, एक सीड बोते हैं, तो प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो करता है या उसमें पानी डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। तो थॉट्स क्या है ना, थॉट्स एक बीज है, क्या है, एक बीज है, सीड है, सीड। तो जब हम थॉट्स एक लेंगे तो डेली उसमें मेडिटेशन का पानी डालेंगे। डेली हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है। डेली हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, और उस थॉट्स को पावरफुल बनाना है। कैसा बनाना है, पावरफुल, तभी वो थॉट्स पूरा होगा, अदरवाइज थॉट्स पूरा नहीं होगा। कोई भी एक थॉट्स, अगर सपोज आपने सोचा कि मैं मैथ्स इस साल स्ट्रॉन्ग करूंगा, राइट, और आप उस चीज को कर भी रहे हो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो आपका वो थॉट पावरफुल होगा ही नहीं, वो वीक थॉट होगा। ऐसे बहुत सारे थॉट हम करते हैं ना, इस बार मैं संडे को सुबह उठ के मैं जाऊंगी जॉगिंग करने, एक्सरसाइज करने या कुछ और करने। हाँ जी, मेडिटेशन के बाद टीचर, मेडिटेशन हमें डेली करना चाहिए। तो मिरेकल ऑफ थॉट समझ में आ गया, हमें क्या करना है, इस साल एक थॉट्स क्रिएट करना है और मेडिटेशन से उन थॉट्स को पावरफुल बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी मेडिटेशन का बताया ना, मेडिटेशन किससे हमें, किससे कनेक्ट करना है, पॉइंट ऑफ लाइट, किससे कनेक्ट करना है, पॉइंट ऑफ लाइट। और तीसरी चीज, हमें टीचर, पेरेंट्स और ह्यूमन बीइंग सबकी रेस्पेक्ट करनी है, टीचर की रेस्पेक्ट करनी। कौन है जो अभी यहाँ पर घर में बहुत जिद करता है, कौन कौन है, आप जिद करते हो, और कौन है, सभी बच्चे हाथ उठाएंगे धीरे धीरे,
है ना, कौन है जो जिद करता है, मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए, और जब तक आइसक्रीम नहीं मिलता तब तक हम जिद करते रहते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, टीचर, पेरेंट्स और ह्यूमन बीइंग, अपने आसपास के लोगों के, सोशल जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, सबकी रेस्पेक्ट करनी है। क्या करनी है, सबकी रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, जैसा आपने बोला ना शुरुआत में, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है और खुद को भी दुख नहीं देना है। क्या, खुद को भी दुख नहीं देना है। कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं तो खाना नहीं खाते, या फिर हम नाराज हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हमें हताश फील होता है ना। तो अपने आप को भी दुख नहीं देना है और दूसरों को भी दुख नहीं देना है। क्लियर, समझ में आया। और हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा पायलट, वो सब हम बन जाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। हाँ, और मेडिटेशन, मेडिटेशन हम क्यों करते हैं, हेल्दी रहने के लिए क्यों करते हैं, हेल्दी रहने के लिए। तो हेल्दी रहने के लिए तीन चीजें करनी है आपको। पहला, अच्छे से एक्सरसाइज, या जो भी आप खेलते हो, गेम्स खेलते हो, या फिर जो भी एक्सरसाइज, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, नोबल थॉट्स। कैसे थॉट्स, नोबल थॉट्स, मेडिटेशन से वो आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स। और तीसरी चीज अच्छी नींद करनी है, ठीक है। प्रॉपर जितना टाइम चाहिए ना हमें स्टूडेंट लाइफ में, उतनी हमें नींद करनी है। अगर हम अच्छी नींद, नोबल थॉट्स विद मेडिटेशन और एक्सरसाइज, तीन चीज करेंगे तो हम हमेशा कैसे रहेंगे, फिट कैसे रहेंगे, फिट है। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा, हमें हैप्पी रहना है। कैसे रहना है, आप सब हैप्पी हो या कोई सैड भी है, हैप्पी रहना है हमेशा। हैप्पी रहने से क्या होता है, एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारी मेमोरी पावर बहुत फास्ट एक्टिव हो जाती है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का होता है, और जब हम सैड होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, हमें कुछ याद नहीं रहता। अगर सपोज आप सैड हो, आपने किसी से लड़ाई कर ली अपने बाजू वाले बच्चे से, किसी पेन के लिए, छोटी सी चीज के लिए, या घर में मम्मी ने आपको बोला कि बेटा आज पढ़ो और आपने पढ़ा नहीं और आपने मम्मी से लड़ लिया या मम्मी से जिद कर लिया, तो उस समय क्या है ना, आपका माइंड सैड हो जाएगा। और माइंड जब सैड होता है उस वक्त हमारी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर वीक हो जाती है। कैसी हो जाती है, तो हमेशा हमें कैसा रहना है, खुश। कैसा रहना है, हैप्पी रहना है और दूसरों को भी हैप्पी करना है, उनकी हेल्प करके, ठीक है ना। कभी किसी को दुख नहीं देना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने स्टोरी सुना होगा ना वाल्मीकि को, कौन कौन जानता है यहाँ पर, वाल्मीकि नाम सुना है, वाल्मीकि का कहाँ से सुना है, वाल्मीकि का नाम किसमें आता है, रामायण में, किसमें आता है, रामायण में। तो वाल्मीकि जी है ना, उन्होंने रामायण लिखी है, क्या लिखी है, रामायण। तो वाल्मीकि की भी स्टोरी है, पहले वो ना, जब रामायण उन्होंने नहीं लिखा था, उसके पहले वो एक डाकू थे, तो वो लोगों को पकड़ के लूटते थे और परेशान करते थे, उनसे पैसे या कुछ भी लूट लिया। तो एक बार क्या हुआ, वो एक सन्यासी को लूट रहे थे, तो सन्यासी ने कहा ठीक है तो मुझे लूट लो लेकिन आप पहले अपने घर जाओ, वाल्मीकि से उन्होंने कहा, उनका नाम रत्नाकर था पहले, तो उन्होंने कहा आप एक बार घर जाओ और अपने घर वालों से पूछना कि मैं लोगों को लूट कर और जो उससे पैसे मिलते हैं उससे आप लोगों को खिलाता हूँ, या घर के लिए खाना सामान जो भी है वो लाता हूँ, फिर देखना वो घर वाले क्या बोलते हैं। अगर घर वाले बोलेंगे हाँ तुम बहुत अच्छा करते हो तो फिर आप मुझे बेशक लूट लो। तो वाल्मीकि जी ने उनका हाथ बांध दिया एक पेड़ से, अभी मैं पूछूंगा हाँ स्टोरी जो भी पढ़ाया, इसलिए ध्यान से सुनना, ओके। तो एक पेड़ से उनको बांध दिया वाल्मीकि जी को, उन्होंने रत्नाकर जी ने उस सन्यासी को, और फिर घर गए। फिर घर जाकर बोलते हैं कि मैं ना लोगों को लूटता हूँ और उसके बाद जो भी मुझे उससे पैसा मिलता है मैं आप लोगों को लाकर घर में देता हूँ या सामान लाता हूँ। तो घर वालों ने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी आप लूटते हो उससे हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है एसेंस इस स्टोरी का, कि जब हम किसी को दुख देते हैं तो उससे हमारे अपने भी खुश नहीं होते। तो किसी भी बच्चे को हमें हर्ट नहीं करना है, किसी भी बच्चे से लड़ाई नहीं करना है, पक्का प्रॉमिस। चलो सभी प्रॉमिस करेंगे, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करूंगा, प्रॉमिस करो।
ठीक है। वैसे बहुत सारे अभी प्रॉमिस आपसे करवाएंगे, कई सारे प्रॉमिसेस होते हैं जो हमें स्टूडेंट लाइफ में करने होते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉमिस करते हैं ना तो भगवान कहते हैं जब आप प्रॉमिस करते हो तो आपके अंदर पावर आ जाती है। क्या आ जाती है? पावर आ जाती है। जब भी आपको कुछ ना मतलब जब आपको कहीं पावर नजर ना आए ना तो आप भगवान से प्रॉमिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे अच्छे से बात करना चाहते हो लेकिन आपके अंदर वैसे आप किसी से कभी डर लेते हो सबको या कुछ छोटी मोटी चीज के लिए, तो भगवान से जाकर आप प्रॉमिस करो, डियर गॉड आई प्रॉमिस यू दैट आई नेवर डू दिस मिस्टेक अगेन। और ऐसे करके प्रॉमिस करो, आप गॉड से बातें करो और फिर देखना आपसे वही मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। गॉड हमें पावर दे देते हैं, ठीक है ओके। तो हमें कैसे रहना है? हैप्पी। कैसे रहना है? हैप्पी। सभी हैप्पी है ना? यस। पक्का? फिर से सभी हैप्पी है? यस। आवाज नहीं आई? यस। सभी हैप्पी है? यस। आप सबने अभी डांस किया ना, अब मैं आपको डांस कराऊंगा एक छोटे से दो मिनट के गाने में, करोगे तो आप हैप्पी 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 मोड में करेंगे, ठीक है। हम किसी को डांस नहीं आता पर जिसको जो आता है वैसा कर लेना, ठीक है, करेंगे क्या? Yes. एक वो तारे जमीन का एक सॉन्ग है, बम बम बोले करके कुछ है, वो लगा दीजिए। तो एक बच्चों का सॉन्ग है तारे जमीन का, सुन लेते हैं। हाँ आमिर खान, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, गोल गोल, उसको सब कुछ अजीब सा दिखता है। हाँ तो अभी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी बॉडी की, तो हम कुछ ऐसे डांस करेंगे जिसमें एक्सरसाइज भी होगा, हैप्पीनेस भी होगी और गॉड के भी होगा, ठीक है। फिर मैं डांस के बाद आपसे दो मिनट में पूछूंगा कि आपने क्या क्या सुना मेरे से, उसके बाद फिर हम आगे का फर्दर प्रोग्राम करेंगे, ओके ठीक है। तो सभी अभी खड़े हो जाओ एक बार और थोड़ा गैप बना लेना एक दूसरे पर, लगे रहना थोड़ा आगे पीछे हो सकते हो, कैमरा 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 ध्यान से रखना, उधर टच ना हो, पीछे हो जाओ। तो मैं दो बड़े बच्चे ना, एक तो आगे आ जाओ, आप एक आ जाओ, एक बॉयज ना आ जाओ, आप आ जाओ, दो यहाँ पर दो बॉयज और यहाँ दो गर्ल, आप दो बड़े थोड़े पापा आप आ जाओ, ठीक है। आप लोगों को सिखाते हैं, मुझे डांस नहीं आता, आप आ जाओ, कोई भी दो आ जाओ और दो बॉय, दो बॉयज, हाँ बेटा आप आ जाओ और आप आ जाओ और आप आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है। इनको भी फॉलो करना, मुझे पीछे आपको भी फॉलो करना, हंसो हंसो खुल के, देखो देखो क्या पेड़ है, चादर ओढ़े